हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज से हमारी सुपर 50 की क्लास चलेगी और ये प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी प्राइमरी लेवल के लिए। और आज से ये जो चलेगा तकरीबन 6 वीडियो, तकरीबन उसमें 400 सवाल आप मिलेंगे आपको, और वो सब जो है सवाल सिलेक्टेड सवाल हैं और बीपीएससी के लेवल को देखते हुए, प्राइमरी के लेवल को देखते हुए सारे अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि टेलीग्राम एक चैनल है, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, आप वहाँ से जाकर के ऐड हो जाइए। वहाँ आपको कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ ग्रामर सहित और उस पर रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जाकर के आप उसको जो है अपनी तैयारी में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सुपर 50 क्लास आज से शुरू हो रही है, तकरीबन 6 वीडियो के बाद इसका, इसके जितने भी सवाल, लगभग 400 से ज़्यादा सवाल होंगे, उसकी भी पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से उसको हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ और वहाँ से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम आते हैं आज के पहले सवाल पर। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? फारसी, तुर्की, अरबी, हिंदी, ये तुर्की ज़बान का। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की। उर्दू के मानी क्या होते हैं? उर्दू के मानी होते हैं लश्कर या फौज। उर्दू के मानी क्या होता है? लश्कर या फौज, ये एक लश्करी ज़बान है। तीसरा सवाल है, तूतीय हिंद किस शायर को कहा गया है? तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद। अमीर खुसरो किससे मुरीद थे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। समझ गए ना? तो ये 3 सवाल हो गए। फिर आते हैं अगला सवाल पर। अमीर खुसरो के अहद में उर्दू ज़बान को क्या कहा जाता था? अमीर खुसरो के ज़माने में इन उर्दू को कहा जाता था हिंदवी। उर्दू को क्या कहा जाता था? हिंदवी। उर्दू ज़बान को हिंदवी किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। समझ गए? अगला सवाल, रेख्ता के माने क्या होते हैं? रेख्ता के माने होते हैं गिरी पड़ी ज़बान। रेख्ता के माने गिरी पड़ी ज़बान, या इसके एक और माने होते हैं खलत मलत ज़बान। क्या होते हैं? खलत मलत ज़बान या मिली जुली ज़बान कह सकते हैं। खलत मलत ज़बान या मिली जुली ज़बान, दोनों बातें एक ही है। अगला सवाल है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। उर्दू ज़बान के पैदाइश के बारे में ये किसने कहा कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई? तो पंजाब में उर्दू एक किताब लिखी है महमूद खान सीरानी ने, उन्होंने ही बताया है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। समझ गए? चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। उर्दू दिल्ली के गिर्दो नवाह यानी आसपास, गिर्दो नवाह के माने होता है आसपास, में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? तो ये किसने बताया था? मसूद हुसैन खान। इनकी किताब है मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू, उसमें उन्होंने बताया है कि उर्दू दिल्ली के गिर्दो नवाह में पैदा हुई, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई। समझ गए? चलिए आते हैं अगले सवाल पर। मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू किसकी किताब है? मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू ये है मसूद हुसैन खान, माहिर लसानियात है ये मसूद हुसैन खान। अब अगला सवाल है कि पाली किस मज़हब की ज़बान थी? पाली बौद्ध मज़हब की, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध वाला जो है। तो पाली किस मज़हब की ज़बान थी? बौद्ध मज़हब। समझ गए ना? फिर आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मगरबी हिंदी पूछा है, तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां? 5 बोलियां हैं। कौन कौन? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। ये कितनी भाषा हो गई? 5। और हरियाणवी को बांगड़ू भी कहा जाता है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगड़ू, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये सब भाषा मगरबी हिंदी की बोलियां हैं। तो मगरबी हिंदी कितनी बोलियां? 5। अगला सवाल, बौद्ध मज़हब के लोग अपने मज़हब का प्रचार किस ज़बान में करते थे? बौद्ध लोग यानी बौद्ध लोगों की ज़बान क्या थी? पाली थी। तो वो जो है पाली ज़बान में अपने मज़हब का प्रचार करते थे। क्लियर? आगे अगला सवाल, खड़ी बोली से कौन सी 2 बोलियां निकली हैं? खड़ी बोली से क्या निकला है? खड़ी बोली से निकला हिंदी और उर्दू। खड़ी बोली से क्या निकला है? हिंदी और उर्दू। समझ गए? चलिए आगे अगला सवाल। सवाल नंबर 13 पे हम आते हैं।
इंडो आर्यन एन हिंदी किसकी किताब है ये, इसके मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन सुनीति कुमार चटर्जी। ये इसके जवाब, इसका जवाब हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। इंडो आर्यन एंड हिंदी, इन्होंने जो किताब लिखी थी इंडो आर्यन एंड हिंदी, और इसका उर्दू में है हिंद आर्याई और हिंदी। ठीक है, उर्दू में नाम है हिंद आर्याई और हिंदी। माई लसानियात, लसानियात का इमाम कहा जाता है सुनीति कुमार चटर्जी को। अगला सवाल, ब्रजभाषा का इलाका कौन सा है? ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का इलाका मथुरा है, मथुरा और आगरा ब्रजभाषा का इलाका है। यहाँ पे संस्कृत का गहरा असर है, समझिए ना, मथुरा और आगरा ब्रजभाषा का इलाका। अगला सवाल, ब्रजभाषा का इलाका कौन सा है? देखिए अब इसमें, देखिए इसमें हो जाएगा आगरा, आपको दोनों नाम मालूम रहना चाहिए। ब्रजभाषा का इलाका कौन सा है? आगरा और मथुरा। सवाल कैसे भी पूछे जा सकते हैं। फिर अगला सवाल, प्राकृत के माने क्या है? प्राकृत, प्राकृत के माने होता है आवामी जबान या गवारों की जबान या देहाती जबान, समझिए ना, प्राकृत के माने होता है। प्राकृत के माने क्या होता है? आवामी जबान। ये जो गिरीपड़ी जबान है ये रेखता के माने होता है। क्लियर, चलिए आगे। अगला सवाल, मशरकी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है? मशरकी हिंदी में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मशरकी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ हैं। तो मशरकी हिंदी की कुल तीन बोलियाँ होती हैं, तीन बोलियाँ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये होती हैं। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों हैं, ये शामिल नहीं है, मैथिली इसमें शामिल नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? मैथिली। अगला सवाल, नकुसे सुलेमानी किताब का मुसन्निफ, नकुसे सुलेमानी किसने लिखी है? सैयद सुलेमान नदवी। शिबली के जानासीन कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। शिबली के अधूरे कामों को इन्होंने पूरा किया था। इन्होंने किताब लिखी है नकुसे सुलेमानी, और इस किताब में उन्होंने बताया कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। किसने कहा? सैयद सुलेमान नदवी ने, किस किताब में? नकुसे सुलेमानी। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 पे आ जाइए। इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू जबान ब्रजभाषा से पैदा हुई, ये किस ये बात कौन सी किताब में दर्ज है? तो किसने कहा? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का क्या नाम है? आबे हयात, आबे हयात, समझिए ना। दक्कन में उर्दू किसने लिखा है? नसीरुद्दीन हाशमी, और ये ऑप्शन फर्जी है। और मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी किताब है? मसूद हुसैन खान की। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आबे हयात। अगला सवाल, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के माने क्या होते हैं? औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, या औरतों के हुस्न जमाल की बातें करना, समझ गए? तो ये हो गया गज़ल। अगला सवाल, अगला सवाल है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर, पहला शेर जो होता है मतला कहते हैं। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाएगा? मतला। और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं, समझिए ना। और जो बीच के अशार होते हैं यानी मतला और मक्ता के बीच में जितने अशार होंगे उसको कहेंगे फ़र्द अशार, उसको कहा जाता है फ़र्द अशार। अब फिर अगला सवाल, गज़ल के लुगवी माने क्या हैं? गज़ल के लुगवी माने औरतों की बातें करना, बच्चों से, मर्दों से, मौलिम की बातें करना। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन अलिफ वाला, औरतों की बातें करना, औरतों की बातें करना, या औरतों से बातें करना, या औरतों के हुस्न जमाल की बातें करना, ये उसकी लुगवी माने हैं। लुगवी माने होता है जो लुगत में माने हैं, समझ गए। चलिए आगे आते अगले सवाल पर, गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस, तखल्लुस मतलब मुख्तसर नाम, शायरी का मुख्तसर नाम, उसको कहते हैं तखल्लुस, तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे मक्ता। क्या कहेंगे? मक्ता। और गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के सबसे अच्छे शेर को कहेंगे बैतुल गज़ल। क्या कहेंगे? बैतुल गज़ल, या हासिल गज़ल, या शाह गज़ल, ये तीनों जो है इसके ही नाम है। तो गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहेंगे? बैतुल गज़ल, या हासिल गज़ल, या शाह गज़ल। क्लियर हो गया ना। आगे आइए अगले सवाल पर, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? गज़ल की तारीफ में ये कौल किसका है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने, रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है जदीद गज़ल, जदीद गज़ल उनकी किताब का नाम है, उसी में ये सवाल दर्ज है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, समझिए ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर,
गजल नीम वैसी सिंह सुखन है, गजल की मजम्मत में, ये कौल किसका है? गजल की मजम्मत में, यानी गजल ये बात कहकर किसने गजल की मजम्मत की है? तो ये बात कही है कलीमुद्दीन अहमद ने। किसका कौल है ये? कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, समझ गए ना। हम आते हैं अगले सवाल पर। रईसुल मुतगज़लीन किस शायर को कहा जाता है? रईसुल मुतगज़लीन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जिगर मुरादाबादी को। इमामुल मुतगज़लीन किसे कहा जाता है? इमामुल कहा जाता है हसरत को। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, गज़ल के बारे में ये बयान किसका है? गज़ल के बारे में ये गज़ल की ये कहकर किसने गज़ल पर मुजम्मत की है? तो ये हो जाएंगे अजमतुल्ला खान। सुरीले बोल इनकी किताब का नाम है, सुरीले बोल अजमतुल्ला खान की किताब है। और गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, इनका कौल है, समझिए ना। आगे अगला सवाल। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये जुमला किसका है? यानी गज़ल के बारे में ये बात किसने कही है? शायरी नहीं इत्र शायरी है, शायरी नहीं इत्र शायरी, फिराक गोरखपुरी के जो शायरी में देवमालाई अनासिर पाए जाते हैं। कौन से अनासिर? देवमालाई अनासिर, यानी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली बात है, फिराक की शायरी में पाई जाती है, उसी को देवमालाई अनासिर कहा जाता है, फिराक गोरखपुरी, समझ गए ना। अगला सवाल। गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये बात किसने कही थी? गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये बात कही है फिराक गोरखपुरी ने, फिराक का कौल है, समझिए ना। इसके पहले वाला भी फिराक का था और ये भी फिराक का है। गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है। अगला सवाल। कसीदा किस जबान का लफ्ज़ है? कसीदा जो है किस जबान से बना है पूछा है, किस जबान से बना है? कसद से बना है। किस जबान से बना है? किस लफ्ज़ से बना है? कसद से। कसीदा किस लफ्ज़ पर बना है? कसद से। कसद के माने क्या होते हैं? इरादा करना। कसद के माने इरादा करना। और 32 नंबर सवाल है। मगज गलीज या गाढ़ा गूदा किस सिन्फ के लुगवी माने हैं? तो ये कसीदा के लुगवी माने क्या होते हैं? कसीदा के लुगवी माने होते हैं मगज गलीज या गाढ़ा गूदा। आगे आते हैं अगले सवाल में। कसीदा के एजाय तरकीबी कितने हैं? एजाय तरकीबी तशबीह गुरेज मदह मुद्दा दुआ 5 हैं। कितने हैं? 5। ऑप्शन के अतबार से देखिए कितने हैं? 5। तो कसीदा के एजाय तरकीबी कितने? 5। अगला सवाल। कसीदा के एजाय तरकीबी में कौन सा जुज शामिल नहीं है? तो तशबीह ये शामिल है, गुरेज ये शामिल है, मदह ये शामिल है, चेहरा नहीं शामिल है। चेहरा तो मरसिए का है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? चेहरा हो जाएगा, समझिए ना। अगला सवाल। मरसिया किस जबान का लफ्ज़ है? मरसिया अरबी जबान का लफ्ज़ है, अरबी जबान के लफ्ज़ रेसा से निकला है, इसके माने होते हैं आहोबका। क्लियर। आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 36। मरसिया के कुल कितने अजाय तरकीबी हैं? तो मरसिया में कुल कितने अजाय तरकीबी होते हैं? 8। चेहरा सरापा रुखसत आमद रजस जंग शहादत बैन, ये किसका है अजाय तरकीबी? मरसिया के अजाय तरकीबी हैं, समझ आ गया। फिर अगला सवाल। कसीदा के जाय तरकीबी में कौन सा जुज शामिल नहीं है? कसीदा पूछा है, कसीदा में कौन सा शामिल नहीं है? तशबीब है, गुरेज है, मदा है, चेहरा नहीं शामिल है। चेहरा ये शामिल नहीं है, चेहरा तो मरसिया का जुज होता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चेहरा। अगला सवाल। इन में से कौन मरसिया निगार में शामिल नहीं है? मीर अनीस, मिर्जा दबीर, मीर दर्द और मीर ज़मीर। तो दर्द ने तो सिर्फ गज़ल कही है, बाकी मीर अनीस मरसिया वाले हैं, दबीर भी, और दबीर के उस्ताद है ज़मीर हैं, ये भी मरसिया वाले हैं, सभी हैं। मीर दर्द ने सिर्फ गज़ल कही है, मीर दर्द ने सिर्फ गज़ल कही है। इनका ताल्लुक मीर दर्द का दबिस्ताने दिल्ली से है, और मीर दर्द को आधा शायर कहा जाता है, ठीक है, मीर दर्द को आधा शायर कहा जाता है, और मीर सोज़ को पाव शायर कहा जाता है। मीर सोज़ जो आसिफुद्दौला के उस्ताद थे, उनको पाव शायर कहा जाता है, और मीर दर्द को आधा शायर कहा जाता है। मीर तकी मीर को पूरा शायर, पूरा माने एक, और सौदा को वो भी पूरा शायर है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर।
इनमें से कौन कसीदा निगार में शामिल नहीं है? कसीदा निगार में कौन शामिल नहीं है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ये तो हैं, इब्राहिम ज़ौक ये भी हैं, और मोहसिन काकोरी ये भी नातिया कसीदा लिखते हैं। मीर दर्द, मीर दर्द ने सिर्फ गज़ल कही है, तो इसका जवाब हो जाएगा मीर दर्द। अगला सवाल, इनमें से कौन कसीदा निगार ऐसा है जिसने सिर्फ नातिया कसीदे लिखे हैं? नातिया कसीदे का मौजी, नातिया कसीदे का बानी मोहसिन काकोरी। कौन है? मोहसिन काकोरी, संत काशी से चला जानी बे मथुरा बादल। समझिए ना, तो इन्होंने सिर्फ नातिया कसीदे कहे हैं और 5 नातिया कसीदे कहे हैं टोटल, मोहसिन काकोरी। आते हैं हम अगले सवाल पर। जिस नज्म के एक बंद में 3 मिसरे हों उस नज्म को क्या कहते हैं? एक बंद में 3 मिसरे हों तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मुसल्लस। मुसल्लस लफ सलासा से बना है, यानी 3। एक बंद में 3 मिसरे हैं उसे क्या कहेंगे? मुसल्लस। समझिए ना। आगे अगला, जिस नज्म के एक बंद में 8 मिसरे हो, 8 मिसरे क्या कहेंगे? मुसम्मन। 8 मिसरे को मुसम्मन। मुरब्बा में क्या होते हैं? 4 होते हैं। मुखम्मस में 5 होते हैं। मुसल्लस में 3 होते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 43। किस सिंफ में औरतों के जज्बात का जिक्र औरतों की जबान में होता है? रेखती। इसका जवाब क्या हो जाएगा? रेखती। अब अगर हम पूछे कि रेखता, रेखता का मुअन्नस क्या होता है, तो रेखता का मुअन्नस होगा रेखती। इसमें जो है शायर जो शायरी करता है उसमें औरतों वाली जबान इस्तेमाल करता है, जैसे औरतें रोज़मर्रा घरेलू ज़िंदगी में जो जो बातें जो जो जबान इस्तेमाल करती हैं उस जबान को इसमें इस्तेमाल किया गया है, और रंगीन इसके मौजिद हैं। हालांकि इंसा का नाम भी आता है इसमें, इंसा और रंगीन दोनों का नाम एक साथ में आता है, लेकिन इंसा ने खुद ही कहा है, इंसा ने दरिया लताफत ने खुद ही कहा है कि इसके मौजिद कौन है? इसके मौजिद रंगीन है, उन्होंने खुद बताया है। तो रंगीन और इंसा का शुमार रेखती में होता है। क्लियर हो गया ना। आगे आते हैं अगले सवाल पर। 5 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म को क्या कहते हैं? 5 मिसरे की जो नज्म होगी उसको कहेंगे मुखम्मस। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मुखम्मस। 5 मिसरों पर जो मुश्तमिल होगी वो हो जाएगी मुखम्मस। मुसद्दस में कितने होंगे? 6 होंगे, और मुरब्बा में हो जाएंगे 4, और मुअश्शर ये इसमें 10 हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना। ये तो मुखम्मस में 5। अगला सवाल, किस सिंफ में किसी ज़माने की बदहाली या किसी शहर पर नाजिल होने वाले आफात का जिक्र होता है? तो ये हो जाएगा शहर आसूब। इसका जवाब क्या हो जाएगा? शहर आसूब। किसी शहर की बदहाली का जिक्र हो और या किसी शहर पर कोई आफत आ गई हो तो उन सारी चीज़ों का जिक्र जो है शहर आसूब होता है। सौदा का एक कसीदा भी शहर आसूब के नाम से है। नज़ीर अकबर आबादी की भी एक नज़्म है शहर आसूब के नाम से। अब जब एक ड्रामा है आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का, और जब उस ड्रामे की शुरुआत होती है तो इसी नज़्म से होती है शहर आसूब, क्योंकि उस वक्त जो है पस मंज़र जो दिखाया गया है वो शहर में शहर आसूब फैला हुआ था, यानी जो है नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया था, दिल्ली को लूटा था, तो उस वक्त का मंज़र उसमें पेश किया गया है, और उसको वो उस नज़्म का मौजू है शहर आसूब का। समझिए ना। तो ये हो गया शहर आसूब 45 का। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। ऐसी सिंफ शायरी जिसमें आशिक अपनी माशूका की बेरुखी से तंग आकर माशूका को धमकी देता है कि हम भी अब कोई दूसरी माशूका ढूंढ लेंगे, इस धमकी के डर से माशूका दोबारा वापस आ जाती है और यानी अपने गुस्से को ख़त्म कर देती है, तो ऐसी शायरी को क्या कहते हैं? यानी ये सारी बातें जिस शायरी का मौजू हों, जिस शायरी में ये सब बातें हों तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वासोक्त। उसमें माशूका को जली कटी सुनाई जाती है, समझिए ना, माशूका क्या होता है? जली कटी सुनाई जाती है, तो ये इसका मौजू हो गया। अगला सवाल, जिस नज़्म में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और उनकी मदह की जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नात। उसको क्या कहेंगे? नात।
हमद में क्या होता है? हमद में खुदा ताला की हमद सना की जाती है। मुनाजात में खुदा ताला से दुआ मांगी जाती है। मनकबत में बुजुर्गान दीन की मदा होती है, समझिए ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा नात होगी। अगला सवाल, किस सिंफ के लुगवी माने मोती पिरोना या लड़ी बनाना के होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नज्म। नज्म के माने होता है मोती पिरोना या लड़ी बनाना, ठीक है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, 49 पे। अगला सवाल है, किस सिंफ शायरी में रोने रुलाने वाली बातें होती हैं? तो रोने रुलाने वाली बातें किस में होंगी? मर्शिया में। रोने रुलाने वाली बातें मर्शिया। और रुबाई किस जबान का लफ्ज़ है? रुबाई, रुबाई किस जबान का लफ्ज़ है? रुबाई है अरबी जबान का लफ्ज़, समझिए ना। रुबाई किस जबान का लफ्ज़ है? अरबी जबान का लफ्ज़ है। और रुबा, ये रुबा से बना है, रुबा के माने होता है चार। और रुबाई के लिए बहर हजज मुकर्रर कर दी गई है। रुबाई किस बहर में लिखी जाती है? बहर हजज में लिखी जाती है। मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, समझ आ गया ना। चलिए आज की वीडियो इसी पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर 50 सवाल पे मिलेंगे। और जो लोग चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे। और इसका ये सारी चीज़ों की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैनल के YouTube के चैनल में YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहाँ पे आप उसके ज़रिए जुड़ करके आप सारे मटेरियल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।